न्यू शीट हम ले लेंगे, ठीक है। आज हम इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज का फार्मूला और ग्रेड का फार्मूला, तो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है और ग्रेड कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो एक शीट बनाएंगे जिसको हम नाम देते हैं मार्कशीट या रिजल्ट शीट, मार्कशीट, ठीक है जी। सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आप देखें कि क्या जो है वो उसमें बना सकते हैं आप। सबसे पहले सीरियल नंबर आ गया, नेम, सब्जेक्ट्स, आप लोग करें ना पहले अगर देखें, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग वो करने वाली कहानी समझ में नहीं आ रही, पहले इसको देखें क्या हो रहा है, फिर मैं आपको कराऊंगा बैठ के। अब मैं यहाँ पे भी कर रहा होता हूँ, वहां पे भी आपको करा रहा होता हूँ, ना आपको समझ में आती है कहानी ना है, वो मैं सही से कर पाता हूँ। पहले आप देखें कि क्या हो रहा है, उसके बाद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखें, सबसे पहले हमें चीजों को सेट करना है। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है जी। सबसे पहले देखें सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ रहे हैं सब्जेक्ट। फिलहाल हमने सिर्फ चार सब्जेक्ट्स रखे हैं और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, फिर इसमें मार्क्स जो है वो लिए कितने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, कितने परसेंट मार्क उठाए हैं और उसकी ग्रेड क्या आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की एक शीट हम जो है बना लेते हैं, इसको आप बराबर कर लें यहाँ तक जितने भी आपके पास आ रहे हैं ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने ये है कि एक तो हमने ये चीजें मेंशन भी कर देनी है कि कितने मार्क्स का एक पेपर है, ताकि हमें पता चले कि कितने मार्क्स का है, ठीक है। अब उर्दू ए और बी दोनों मिला के 150 मार्क्स हम कर देते हैं, ठीक है। मैथ हम 100 कर देते हैं, इंग्लिश भी 100 कर देते हैं, या इंग्लिश भी दोनों मिला के हम 150 कर देते हैं, 75 75, पाक स्टडी 100। ठीक है जी, मार्क्स हमने इसलिए डिफाइन कर दिए क्योंकि यहाँ जो हम मार्क्स लिखेंगे वो ऑब्टेन मार्क्स होंगे कि कितने उसने लिए हैं 100 में से, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सीरियल दे देता हूँ, चार पांच रिकॉर्ड हम बना लेते हैं,
यहाँ पे जी आ गया आपका अली अहमद इमरान काशिफ मिसाल के तौर पर इसने उर्दू के 150 मार्क्स हैं, तो रिक्वायर्ड मार्क्स आपको पता है अगर 100 है तो उसके 33 होते हैं, ठीक है, और अगर 150 हो तो कितने होंगे, 50, कितने होते हैं 50, ठीक है ना, तीसरा जो है वो हिस्सा होता है नंबर का। तो इसको हम रख लेते हैं जी, मिसाल के तौर पर उसने लिए जी 120 मार्क्स, 100 में से लिए इसने 65, इंग्लिश में इसने लिए 115, पाक स्टडी में इसने लिए जी 78, ठीक है। अब यहाँ पे इनका टोटल जैसे वही हम सम करते हैं, सम करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट शुरू और यहाँ पर इनको जमा करके ब्रैकेट ठीक है जी। इसने टोटल मार्क्स कितने लिए, 378, ठीक है, जबकि वैसे टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, 500, कितने मार्क्स बन रहे हैं, 500, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इनके टोटल आने चाहिए ना, तो हम काट देते हैं, बल्कि यहां हम लगाएंगे 500, ठीक है, ये टोटल मार्क्स का खाना है ना, तो इन सब पे हम 500 लगा देंगे, क्योंकि ये टोटल मार्क्स ये वाले हमने डाले हैं, वो जो मार्क्स हैं वो मार्क्स ऑब्टेंड है ना, ये 500 टोटल मार्क्स आ गए। अब यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क्स हम ले लेंगे, ये ऑब्टेंड मार्क्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निकालनी है परसेंट, क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब हम जो निकाल रहे हैं वो टोटल मार्क्स से परसेंटेज निकाल रहे हैं, देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे टोटल मार्क्स हैं, ठीक है,
टोटल मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे ऑब्टेन मार्क्स के साथ। किसके साथ डिवाइड करेंगे? ऑब्टेन मार्क्स। लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज ज़्यादा आ रही है तो यहाँ हमने इसको मज़ीद चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 100 बल्कि नहीं, इक्वल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500। ये फिर 1800 मुझे आ रहा है। अब सही है। टोटल मार्क्स को जो है वो हमने ऑब्टेन मार्क्स को पहले हमने जरब दिया 100 के साथ और टोटल मार्क्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारी परसेंटेज निकल के आ गई 75.6। ठीक है, अब इसी फार्मूले को पहले हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं इनको कि क्या नंबर दे दें। मिसाल के तौर पर इसने लिए 100, इसने लिए जी 35, 37, 83, 67 और यहाँ पे हम यही फार्मूला जो है वो ड्रैग कर लेते हैं प्लस का। यहाँ इसने लिए जी 140 47 92 74 ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे मार्क्स डाल दिए। अब यहाँ पे इसको दोबारा मैं एक बार फार्मूला जो है वो लगा देता हूँ कि आपको जो है वो समझ में आ जाए। इक्वल करेंगे हम इसको, ठीक है, इक्वल करके हम आगे ऑब्टेन मार्क्स पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। किसके साथ? 100 के साथ, और डिवाइड करेंगे इस टोटल मार्क्स के साथ। ठीक है, इंटर करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज यहाँ पर आ गई। अब इसी फार्मूले को हम ड्रैग कर देते हैं नीचे, सबकी जो है वो परसेंटेज यहाँ पे आया होगी कि कितने हमने परसेंटेज, अब अली ने कितने उठाया टोटल में से 75% उठाया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मार्क्स चेंज करोगे, मिसाल के तौर पर मैं इसको 100 करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये मार्क्स भी चेंज हो गए और ये परसेंटेज भी चेंज हो गई। ठीक है, अगर मैं चेंज करता हूँ तो इस तरह चेंज होते जाएंगे ये। ठीक है, 76 हो गया इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे निकालना है इसका ग्रेड कि भी अली का ग्रेड क्या है और जो है वो अहमद का ग्रेड क्या है, इमरान का ग्रेड क्या है। अब ग्रेड हमने निकालना कैसे, इस फार्मूले को जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि फार्मूला होगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले देखें इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू परसेंटेज, हम इसी परसेंटेज पे ही जो है वो सारा ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 80 कॉमा डबल कोटेशन ए प्लस कोटेशन क्लोज। ठीक है, कॉमा इफ ब्रैकेट शुरू, फिर इसी पे हमने क्लिक किया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 70 कॉमा डबल कोटेशन ए कोटेशन क्लोज कॉमा क्लोज इफ, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर इसी पे क्लिक किया हमने, ग्रेटर देन इक्वल
कॉमा डबल कोटेशन बी कोटेशन सॉरी ये 70 था इक्वल 60। इक्वल 60 कॉमा कोटेशन बी कोटेशन क्लोज, ठीक है, कॉमा इफ ब्रैकेट शुरू, इसी सेल पे हमने क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल 50 कॉमा डबल कोटेशन सी कोटेशन क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट शुरू, इसी सेल पर हमने क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा डबल कोटेशन डी कोटेशन क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट शुरू, इसी सेल पर हमने क्लिक किया इक्वल लेस देन इक्वल 30 लेस देन इक्वल 30 कॉमा कोटेशन फेल कोटेशन क्लोज कॉमा क्लोज। अब यहां पे देखिए हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किए, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छः, छः ब्रैकेट्स हमने ओपन किए थे, तो छः ब्रैकेट्स हमने क्लोज करने हैं, ठीक है, इंटर करेंगे, देखिए क्या आया, ए ग्रेड आया, ठीक है। अब अगर इसी फार्मूले को मैं नीचे ले जाता हूं तो हमें पता चल जाएगा कि इनका क्या क्या ग्रेड आया है। अब जिसके 380 मार्क्स हैं 67 उसकी परसेंटेज है, क्योंकि ए प्लस ग्रेड उसका होगा जो 80 या 80 से ऊपर का होगा, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे फार्मूले को समझाया है ऊपर, अगर आपको फार्मूला बार नजर आ रही है या मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए इफ ये सेल का नंबर आ रहा है, ये परसेंटेज बता रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल कि 80 के बराबर या 80 से ऊपर हो, तो आपने क्या शो करना है, ए प्लस शो करना है, इफ फिर यही सेल नंबर ग्रेटर देन इक्वल 70, अगर 70 या 70 से ऊपर है तो ए शो करना है, जैसे कि यहाँ पर 76 था उसने क्या शो किया, ए शो किया, इसी तरीके से इफ फिर ब्रैकेट शुरू फिर यही सेल परसेंटेज का ग्रेटर देन इक्वल 60, 60 या 60 से ऊपर है तो आपने बी शो करना है, और अगर यही सेल 50 से 50 के बराबर या ऊपर है तो आपने सी शो करना है, और अगर यही सेल 40 के बराबर है या इससे बड़ा है ऊपर है तो आपने डी शो करना है। अगर यही सेल यहाँ पे देखिए पर लेस देन आ रहा है कि इफ इन सब में ग्रेटर देन आया, यहाँ पे क्या आया, लेस देन, आखिरी वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, लेस देन, कि अगर ये सेल 30 से 30 के बराबर है या 30 से कम है तो उसको क्या शो करना है, फेल शो करना है। अब हम फार्मूला हमारा लग गया, अब हम उसको चेक करेंगे कि आया बाकी ये काम कर रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसके 87 मार्क्स हैं, 57 इसकी परसेंटेज है, 50 से ऊपर है कितना शो कर रहा है, सी शो कर रहा है, ठीक है, 70 से ऊपर है तो ए शो कर रहा है, 60 से ऊपर है तो बी शो कर रहा है, 50 से ऊपर है सी है। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी के मार्क्स कम कर देता हूं, मैं ये जो लास्ट वाला है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं मार्क्स, तो मैं देखता हूं कि क्या चेंजिंग आ रही है। यहां पे देखें जब ये 40 तक आ गया तो 40 के बाद क्या बता रहा है, डी बता रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको और मजीद कम करूं, अच्छा यहां हमने क्योंकि कोई जो है वो परसेंटेज रखी नहीं थी इसलिए ये जीरो बता रहा है, ठीक है, अगर मैं मजीद कम करूं, अब देखें यहां पे क्या हुआ कि सेल बता रहा है, अगर वो 30 से भी कम चला गया उसका परसेंटेज, यहाँ देखिए 29.2% है तो क्या बता रहा है, फेल बता रहा है। तो ये है आपका मार्कशीट बनाने का तरीका कि आप किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं और किस तरीके से
उसके ग्रेड निकालते हैं, ठीक है। ग्रेड में जो आपका फार्मूला लगता है, इसको हम कहते हैं इफ का फार्मूला, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे अभी इसकी, ठीक है। पहले इस तरीके से शीट बनाया, फिर मैं आपसे फार्मूला खुद लगवाता हूँ। सिर्फ एक फार्मूले को समझ लें कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद सारी चीजें आपको खुद में समझ आ जाएगी। परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये है कि हमने क्या किया, देखें फार्मूला, अगर आपने चेक कर रहा हो कि क्या फार्मूला लगा है, तो यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेंड मास है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और डिवाइड किया इस टोटल मास के साथ, ठीक है। तो हमारी ये परसेंटेज निकल आई। अब जैसे हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट उस हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मजीद मार्क्स बढ़ा दूं, अगर 80% से ऊपर चला गया, तो क्या बताएगा, A+ बताएगा, ठीक है जी।